देश में लोकसभा चुनाव 2019 में होना है, जिससे अब कुछ माह ही रह गया है। इस लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीट हासिल हो, इसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियां कमर कसकर तैयारी में जुट गई हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ही भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों की बैठक गुरुवार को बैनीगंज स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह, पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष उपेंद्र दत्त शुक्ला, क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष पुष्पदत्त जैन, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, जनार्दन तिवारी सहित विभिन्न जनपद के जिला प्रभारी और जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। बैठक में मुख्य रूप से पार्टी की मजबूती और आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर रणनीति बनाई गई। उस काम को क्योंकि उस समय 16 से लेकर 25 का समय, 10 दिन का समय और सारे काम वहीं से बाधित हुए और उस काम को फिर पुनः गति से करके और अपने स्थान तक ले जाने का प्रयास सारे जी। आज के विषय प्रस्तावना है जनता पार्टी गोरखपुर अति आवश्यक और इस महत्वपूर्ण बैठक में एक दिन की सूचना मतलब दोपहर में स्नातक जी के साथ चर्चा हुई और देखता हुआ एक बार सभी जिलाध्यक्ष और जिलाध्यक्ष प्रभारी उनके साथ बैठना चाहिए और इसलिए इमीडिएट सूचना का महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई है। इस बैठक में मुख्य रूप से काशी और गोरखपुर क्षेत्र के महामंत्री संगठन सम्मानित रत्नाकर जी, भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के मंत्री माननीय चरण जी, माननीय कामेश्वर सिंह जी, जिले के सभी सम्मानित जिलाध्यक्षगण और जिले और उससे ऊपर यानी प्रदेश के दायित्व के साथ जिले से ऊपर उनका लगातार दायित्व रहा है। ऐसे प्रमुख लोगों को प्रदेश ने जिले का प्रभारी बनाया, ऐसे सभी पार्टी के सम्मानित वरिष्ठ पदाधिकारी, जिलों के प्रभारीगण और हमारे आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य रूप से कामकाजी बैठक है और अभी से लेकर के आगामी हम सब ने संगठन की दृष्टि से अपनी संरचना खड़ी की है और इससे पहले मंडलों की बैठकें हम लोगों ने की है। सभी सेक्टरों में सेक्टर प्रभारी, सेक्टर संयोजक और सेक्टर प्रवासी त्रिस्तरीय रचना हम सब ने कर ली और मंडल की बैठक में अभी एक बार प्रमुख जी जब अभी एक बार रत्नाकर जी बैठक लेंगे तो उन मंडलों की बैठकों में कितनी कितनी उपस्थिति हुई है, ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे मंडलों में तो लगभग उपस्थिति रही है लेकिन कहीं कहीं अभी ऐसी भी स्थिति आई कि बहुत कम उपस्थिति रही और मंडल की बैठक करके फोरम पूरा कर लिया गया और अगर ऐसा हुआ है तो निश्चित रूप से काम नीचे तक नहीं जा पाएगा।